हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत से सफ़र पर जहां आपका दिल खुश हो जाएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है श्री गंगा महादेव। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि भक्ति और किदवंतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। पांडव यहाँ 12 साल के वनवास के दौरान आए थे और उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी जो कि दक्षिणमुखी शिवलिंग है और यहाँ बनी गुफा में वो लोग रहते थे और ऊपर से बहती हुई गंगा की धारा जिसमें वो लोग स्नान करते थे। आइए इसको पूरे विस्तार पूर्वक जानते हैं और आज के इस खूबसूरत से सफ़र को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलो चलते हैं आज के इस खूबसूरत से सफ़र की तरफ। सावन के इस महीने में हम लोग जा रहे हैं श्री गंगा महादेव के दर्शन करने के लिए और सुबह जल्दी हम लोग घर से निकल जाते हैं तकरीबन 5 बजे के करीब। अभी मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बारिश भी चल रही है तो रेनकोट हम लोग पहने हुए हैं और साथ में रेनकोट आप लोग भी कैरी ज़रूर करके ले जाना अगर आप लोग गंगा महादेव जा रहे हैं बारिश के समय में। और बारिश में जाने का सबसे बढ़िया मौका ये है कि आपको ना खूबसूरत से नज़ारे देखने के लिए मिलने वाले हैं और पास में ही वहाँ पे हमें एक खान जी की दुकान मिली थी देखने के लिए जिसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। मज़ा आ गया, गर्मा गर्म खा दूंगा। इधर बारिश का मौसम है और ये अंकल की शॉप है, ये अंकल है सेवान शॉप नाम से, आप लोग आओ तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करना, एक नंबर समोसा है। तो पेट पूजा करने के बाद हम लोग जैसे ही थोड़ी सी दूर पर निकलते हैं सफ़र की तरफ तो हमें मिलते हैं ये बादलों और पहाड़ों के बीच में टकराते हुए ये नज़ारे और पूरा चारों तरफ पहाड़ों के जो धुंधला छाया हुआ फॉग। तो ये आपको जानापाव कुटी के जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो हम लोग जानापाव कुटी भी जाने वाले हैं, अभी रास्ते में पड़ता है वो हमारे, तो वो इंदौर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप लोग जब भी जाएं तो एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट करना क्योंकि यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। और जानापाव वाले रास्ते पर जैसे ही हम लोग मुड़ते हैं तो हमको मिलते हैं काफ़ी ढेरों सारे यहाँ पे कांवड़िए जो कि कांवड़ यात्रा लेकर आए थे या महादेव पर कांवड़ चढ़ा के जा रहे हैं। हाँ, जानापाव जो कुटी है वो भगवान परशुराम की जन्मस्थली है और वहाँ पर भगवान परशुराम और महादेव जी का ऊपर मंदिर बना हुआ है और यहाँ से उद्गम स्थल भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जाने के बाद थोड़ा सा दर्शन वगैरह करते हैं और ऊपर फॉग का नज़ारे देखते हैं और वापस से अपनी लोकेशन पर निकल जाते हैं। गंगा महादेव धार जिले के अंदर स्थित है और धार से 15 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर गांव पड़ता है, उसी गांव के अंदर गंगा महादेव स्थापित हैं। ये काफ़ी बड़ा तीर्थ स्थल है और प्राचीन मंदिर भी स्थापित है यहाँ पे। तो आप लोग जब जाएंगे तो आप लोग रेनकोट वगैरह कैरी करें, छाता कैरी करें, बारिश के मौसम में जाने वाले हैं। और जो झरना है यहाँ का 12 महीने बहता रहता है लेकिन बरसात के समय में ये थोड़ा इसका जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है जिसके कारण लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेता है। और गंगा की पावन जल में आप लोग जाकर डुबकी ज़रूर लगाइए। और आप लोग ये मौसम देख सकते हैं अभी जानापाव कुटी का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मौसम है। तो थोड़ी देर आप इसको एंजॉय कीजिए फिर आगे की बातें हम लोग करते हैं।
गंगा महादेव तक पहुंचने का रास्ता जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है बनी गुफा तक पहुंचने का रास्ता। अभी मैं पहुंच चुका हूं आधे रास्ते तक और पीछे मेरे जो आप हाईवे देख रहे हैं ये गोसावल और खरगोन का हाईवे है और यहाँ से अभी जो मेरी लोकेशन है तो अभी जो यहाँ से मेरी जो लोकेशन बची है डेस्टिनेशन की वो अभी 50 किलोमीटर की बची हुई है और मैं तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर चल के आ चुका हूँ। तो अभी मैप के अंदर ये मुझे सिर्फ 90 किलोमीटर का दिखा रहा था लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लंबा दिख रहा है मुझे और इससे पहले मैं जाना पाव गया था अभी थोड़ी देर पहले जो आपने बैकग्राउंड और व्यू देखा था जो जाना पाव का भाई साहब जो नज़ारा था ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, इतना ज़्यादा फॉग आ रहा था इसी वजह से मैं थोड़ा सा चला गया था थोड़ा उधर घूमने के लिए बस आ गया भाई उसके आपको इसमें वीडियो डालूंगा मैंने तो आप देख लेना। तो अभी चलो थोड़ी देर में चलते हैं, थोड़ा पूरे गीले हो गए तो थोड़ा सा यहाँ पे सुखा रहे थे, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है तो इंदौर में बारिश हो रही थी तो पूरा गीले हो गए थे। अभी थोड़े अंदर सब कुछ गीला गीला हो गया है, आप देख सकते हैं पूरा रेनकोट वगैरह सब गीले हैं, मेरे जूते के अंदर तो भयंकर ज़्यादा पानी भर गया है। मुझे आइडिया नहीं था कि बारिश आ जाएगी, वो तो बढ़िया रहा कि मैं रेनकोट वगैरह लेके आया था। तो चलो अभी निकलते हैं फिर आगे चल के आपसे बात करते हैं। रास्ता बनाया है उनकी खास बात यह है कि यह रास्ता झरने के पीछे से होकर गुफा तक जाता है। झरनों की बूंदों से आधा भीगा हुआ इंसान जब गुफा में पहुंचता है तो वहां मिलते हैं आपको श्री भगवान शंकर जी का दिव्य शिवलिंग। तो गंगा महादेव आते समय आपको रास्ते में एक ये खूबसूरत सा तालाब और ऊपर से बहता हुआ एक झरना। तो दोस्तों मैं अभी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं और गंगा महादेव यहां से नीचे की तरफ ही है तो अभी हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं और आपको पूरा गंगा महादेव का बढ़िया तरीके से एक बार दर्शन कराते हैं। तो जो व्यू है जो बहुत ज़्यादा बढ़िया यहां से व्यू आ रहा है आप मेरे नीचे देख सकते हैं, वहां हमें उस जगह पर जाना है, यहां से होते हुए हम लोग जाएंगे नीचे, काफ़ी सुंदर सा व्यू आप लोगों को दिखाने वाले हैं तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जटाएं हैं महादेव जी की जटाएं आप देख पा रहे हैं। तो इस गुफा से होते हुए हम पहुंचेंगे महादेव के दर्शन करने के लिए और यहाँ पे ये खूबसूरत सा वाटरफॉल बोलते हैं इसको, काफ़ी लोग गंगा महादेव का झरना भी बोलते हैं। तो यहाँ से होते हुए हम लोग अभी मंदिर की तरफ जाने वाले तो हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पीछे आप लोग मेरे देख पा रहे हैं पीछे मंदिर है तो चलो पहले चलते हैं मंदिर में पूजा कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। उसके बाद हम प्रसाद तो चढ़ाएंगे तो आप लोग भी जाएं तो यहाँ पे 25 से 30 रुपए का आपको प्रसाद मिल जाता है, उसके अंदर फूल नारियल सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। और ये जो शिवलिंग आप लोग देख रहे हैं ये थोड़ा सा तिरछा शिवलिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, इसकी कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला तो था लेकिन जो पंडित जी थे वो अवेलेबल नहीं थे उस दिन क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये प्राचीन शिवलिंग था अपने आप से स्थापित हुआ था और जो आपने इससे पहले बड़ा शिवलिंग देखा था जो तिरछा शिवलिंग था उसको पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए और नहाने के बाद आप लोगों से करते हैं बाकी की बातें।
तो सावन के महीने में काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और ये गंगा जल का यहाँ से पात्र भर के ले भी जाते हैं, जो कि कावड़ होती है। यहाँ से काफ़ी सारे श्रद्धालु कावड़ भर के लेके जाते हैं अपने जो आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे भी, और काफ़ी सारे इंदौर के लोग भी यहाँ पे जाते हैं कावड़। सारे लोग आते हैं और यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए बड़े बड़े से टीले जैसे घर बना के जाते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग टेंटू बनवा रहे हैं जो कि एकदम खराब चीज़ है भाई। स्ट्रीट वालों से कभी भी टैटू नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि ये अपनी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। एक ही नीडल से सारे टैटू बना देते हैं। महादेव के हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। तो हमने यहाँ पे जो पंडित जी थे उनसे जानकारी तो नहीं ले पाए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उन्होंने बताया कि बाद में जब कभी आप आएंगे तो बता देंगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो पॉसिबल नहीं हुआ था। लेकिन जितना था उतना तो मुझे पता ही था, मैंने आप लोगों को इसमें वीडियो में मेंशन कर ही दिया है। बाकी और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में गूगल से लेकर सारी जानकारियाँ डाल दूंगा, तो आप एक बार रीड कर लेना, लोकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो अभी चलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं अलग वीडियो में। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये खूबसूरत सा ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।